एक बड़ा व्यापारी था जिसके गांव में बहुत से घर और कारखाने थे जिनमें तरह तरह के पशु रहते थे। एक दिन वह अपने परिवार सहित कारखानों को देखने के लिए गांव गया। उसने अपनी पशुशाला भी देखी जहां एक गधा और एक बैल बंधे हुए थे। उसने देखा कि वो दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। वह व्यापारी पशु पक्षियों की बोली समझता था। वह चुपचाप खड़ा होकर दोनों की बातें सुनने लगा। बैल ने गधे से कहा, तू बड़ा ही भाग्यशाली है, सदैव सुखपूर्वक रहता है, मालिक हमेशा तेरा ख्याल रखता है, तेरी रोज मलाई दलाई होती है, खाने को दोनों समय जौ और पीने के लिए साफ पानी मिलता है। इतने आदर सत्कार के बाद भी तुझसे केवल यह काम लिया जाता है कि कभी काम करने पर मालिक तेरी पीठ पर बैठकर कुछ दूर चला जाता है। तुझे दाने घास की कभी कमी नहीं होती और जितना तू भाग्यवान है मैं उतना ही अभागा हूँ। मैं सवेरा होते ही पीठ पर हल लाद कर जाता हूँ, वह दिन भर मुझे हल में जोत कर चलाते हैं, हल वहां मुझ पर बराबर बराबर चाबू चलाता रहता है। उसकी चाबुकों की मार से पीठ जुए से मेरे कंधे छिल गए हैं। सुबह से शाम तक ऐसा कठिन काम लेने के बाद भी ये लोग मेरे आगे सूखा और सड़ा भूसा डालते हैं जो मुझसे खाया नहीं जाता। रात भर मैं भूखा प्यासा अपने गोबर और मूत्र में पड़ा रहता हूँ और तेरी सुख सुविधा पर ईर्ष्या का करता हूँ। गधे ने यह सुनकर कहा, ए भाई, जो कुछ तू कहता है वह सब सच है। सच में तुझे बड़ा कष्ट है, किंतु जान पड़ता है तू इसी में प्रसन्न है। तू स्वयं ही सुख से रहना नहीं चाहता। यदि तू मेहनत करते करते मर जाए तो भी ये लोग तेरी दया पर तरस नहीं खाएंगे। अतः तू एक काम कर, फिर भी तुझसे इतनी मेहनत नहीं लिया करेंगे और तू सुख से रहेगा। बैल ने पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है। गधे ने कहा, तू अपने को रोगी दिखा, एक शाम का दाना भूसा ना खा और अपने स्थान पर चुपचाप लेट जा। बैल को यह सुझाव बड़ा अच्छा लगा। उसने गधे की बात सुनकर कहा, मैं ऐसा ही करूंगा, तूने मुझे बड़ा अच्छा उपाय बताया है, भगवान तुझे खुश रखे। दूसरे दिन प्रातःकाल हलवा जब पशुशाला में यह सोचकर गया कि रोज की तरह बैल को खेत जोतने के लिए जाए तो उसने देखा कि रात की लगाई सानी जो की जो रखी है और बैल धरती पर पड़ा हाँफ रहा है। उसकी आंखें बंद हैं, उसका पेट फूला हुआ है। हलवाई ने समझा कि बैल बीमार हो गया है और यह सोचकर उसे हल में न जोड़ा। उसने व्यापारी को बैल की बीमारी की सूचना दी। व्यापारी यह सुनकर जान गया कि बैल ने गधे की शिक्षा पर कार्य करके स्वयं को रोगी दिखाया है। अतः उसने हलवाई से कहा कि आज गधे को हल में जोत दो। इसलिए हलवाई ने गधे को हल में जोत कर उससे 7 दिन काम लिया। गधे को खेत जोतने का अभ्यास नहीं था, वह बहुत थक गया और उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे। शारीरिक श्रम के अतिरिक्त 7 दिन उस पर इतनी मार पड़ी कि संध्या को घर लौटते समय उसके पांव भी ठीक से नहीं पड़ रहे थे। इधर बैल दिन भर बड़े आराम से रहा, वह अनाज की सारी सानी खा गया और गधे को दुआएं देता रहा। जब गधा गिरता पड़ता खेत से आया तो बैल ने कहा कि भाई, तुम्हारे देश के कारण मुझे बड़ा सुख मिला। गधा था खान के कारण उत्तर न दे सका और आकर अपने स्थान पर गिर पड़ा। यह मन ही मन अपने को धिक्कारने लगा कि अभागे, तूने बैल को आराम पहुंचाने के लिए अपनी सुख सुविधा का विनाश कर दिया। मंत्री ने इतनी कथा कहा कर कहा, बेटी, तू इस समय बड़ी सुख सुविधा में रहती है, तू क्यों चाहती है कि गधे के समान समान समय वो कष्ट में डाले। शहरजाद अपने पिता की बात सुनकर बोली, इस कहानी से मैं अपनी जिद नहीं छोड़ती, जब तक आप बादशाह से मेरा विवाह नहीं करेंगे मैं इसी देह आपके पीछे पड़ी रहूंगी। मंत्री बोला, अगर तू जिद पर अड़ी रही तो मैं तुझे वैसा ही दंड दूंगा जो व्यापारी ने अपनी स्त्री को दिया था। शहरजाद ने पूछा, व्यापारी ने क्यों स्त्री को दंड दिया और गधे और बैल को क्या हुआ। मंत्री ने कहा, दूसरे दिन व्यापारी रात्रि भोजन के पश्चात अपनी पत्नी के साथ पशुशाला में जा बैठा और पशुओं की बातें सुनने लगा। गधे ने बैल से पूछा, सुबह हलवा तुम्हारे लिए दाना घास लाएगा तो तुम क्या करोगे। जैसा तुमने कहा है वैसा ही करूंगा, बैल ने कहा। गधे ने कहा, नहीं, ऐसा ना करना वरना जान से जाओगे। शाम को लौटते समय मैंने सुना कि हमारा स्वामी अपनी रसोई से कह रहा था कि कल कसाई और चमार को बुला लाना और बैल जो बीमार हो गया है उसका मांस और खाल बेच डालना। मैंने जो सुना था वो मित्रता के नाते तुम्हें बता दिया। अब तेरी इसी में भलाई है कि सुबह जब तेरे आगे चारा डाला जाए तो उसे जल्दी से उठकर खा ले और स्वस्थ बन जा, फिर हमारा स्वामी तुझे स्वस्थ देखकर तुझे मारने का इरादा छोड़ देगा। यह बात सुनकर बैल भवित होकर बोला, भाई, ईश्वर तुझे तुझे सदा सुखी रखे, तेरे कारण मेरे प्राण बच गए, अब मैं वही करूंगा जैसा तुमने कहा है। व्यापारी यह बात सुनकर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। स्त्री को उस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ
वह पूछने लगी, तुम अचानक ही क्यों उठ पड़े? व्यापारी ने कहा, यह बात बताने की नहीं है, यह सिर्फ कह सकता हूँ कि बैल और गधे की बात सुनकर हंसा हूँ। स्त्री ने कहा, मुझे भी विद्या सिखाओ जिसे जानवरों की बोली समझ लेते हैं। व्यापारी ने इससे इनकार कर दिया। स्त्री बोली, आखिर तुम मुझे क्यों नहीं सिखाते? व्यापारी बोला, अगर मैंने तुम्हें यह विद्या सिखाई तो मैं जीवित ना रहूंगा। स्त्री ने कहा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, क्या वह आदमी जिसने तुम्हें यह विद्या सिखाई थी क्या सिखाने के बाद मर गया? तुम कैसे मर जाओगे? तुम झूठ बोलते हो। तुम जो कुछ भी हो, मैं तुमसे यह विद्या सीख कर ही रहूंगी। अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं प्राण डाल त्याग दूंगी। यह कहकर वह स्त्री घर में आ गई और अपने कोठरी का दरवाजा बंद करके रात भर चिल्लाती रही और गाली गलौज करती रही। व्यापारी रात को तो सो गया, लेकिन दूसरे दिन भी वही हाल देखा तो स्त्री को समझाने लगा कि तू बेकार जिद करती है, यह विद्या तेरे सीखने योग्य नहीं है। स्त्री ने कहा, जब तक तुम मुझे यह बताओगे नहीं, मैं खाना पीना छोड़ दूंगी और इसी प्रकार चिल्लाती रहूंगी। व्यापारी ने कहा, अगर मैं तेरी मूर्खता की बात मान लूं तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। स्त्री ने कहा, मेरी बला से तुम जियो या मरो, लेकिन मैं तुमसे विद्या सीख कर ही रहूंगी कि पशुओं की बोली कैसे समझी जाती है। व्यापारी ने जब देखा कि यह महामूर्ख अपना हठ छोड़ ही नहीं रही है, तो उसने अपने और अपने ससुराल रिश्तेदार को बुलाया और स्त्री को अनुचित हठ छोड़ने के लिए समझाए। उन लोगों ने भी उस मूर्ख को हर प्रकार से समझाया, लेकिन वह अपनी जिद से ना हटी। उसे इस बात की चिंता न थी कि उसका पति मर जाएगा। छोटे बच्चे माँ की दशा देख कर हाहाकार करने लगे। व्यापारी के समझ में नहीं आ रहा था कि वह स्त्री को कैसे समझाए कि इस विद्या को सीखने का हठ ठीक नहीं है। वह अजीब दुविधा में था। अगर मैं बताता हूँ तो मेरी जान चली जाती है, नहीं बताता तो स्त्री मर जाती है। इसी धुएड़बुन में घर के बाहर जाके बैठ गया। उसने देखा कि उसका कुत्ता उसके मुर्गे को मुर्गियों से बात करते देखकर गुर्राने लगा। उसने मुर्गे से कहा, तुम्हें लज्जा नहीं आती? दिन भी तुम यह काम कर रहे हो। मुर्गे ने कहा, आज ऐसी क्या बात हो गई कि मैं आनंद ना करूं? कुत्ता बोला, आज हमारा स्वामी अति चिंता कुल है, उसकी स्त्री की मति मारी गई है, वो उससे ऐसे भेद को पूछ रही है जिसे बताने से तुरंत मर जाएगा, नहीं बताएगा तो स्त्री रो कम स्वयं मर जाएगी, इसी से सारे लोग दुखी हैं। तेरे अतीत कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री के बारे में सोचे या मालिक के बारे में सोचे। मुर्गा बोला, हमारा स्वामी मूर्ख है, जो एक स्त्री का पति है वह भी उसके अधीन नहीं है। मेरी तो 50 मुर्गियां हैं, सब मेरे अधीन है। अगर हमारा स्वामी एक काम करे तो उसका दुख अभी दूर हो जाएगा। कुत्ते ने पूछा कि स्वामी क्या करे? मुर्गे ने कहा, हमारे स्वामी को चाहिए एक मजबूत डंडा लेकर उस कोठरी में जाए जहाँ उसकी स्त्री चीख चिल्ला रही है, दरवाजा अंदर से बंद कर ले, उसकी पिटाई कर ले, कुछ देर में उसकी अपना हट छोड़ देगी। मुर्गे की बात सुनकर व्यापारी ने उठकर एक मोटा डंडा लिया, उस कोठरी में गया जहाँ उसकी पत्नी चीख चिल्ला रही थी। दरवाजा अंदर से बंद करके व्यापारी ने स्त्री पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। कुछ देर चीख पुकार मचाने पर भी स्त्री ने देखा कि डंडे पड़ते जा रहे हैं तो वह घबरा उठी। वह पति के पैरों में गिरने लगी कि अब हाथ रोक लो, मैं इसे जिद ना करूंगी। ये कहानी सुनकर मंत्री ने शहरयार से कहा कि अगर तुमने अपना हाथ नहीं छोड़ा तो मैं भी तुम्हें ऐसा ही दंड दूंगा। शहरयार ने कहा, आपकी बातें अपनी जगह ठीक है, किंतु मैं अपनी इच्छा बदलूंगी नहीं। मेरी इच्छा यही है कि मुझे महाराज से शादी करनी है, लेकिन उन्हें कहना बेकार है, यदि आप मेरी कामना पूरी नहीं करेंगे तो मैं बगैर पूछे स्वयं ही बादशाह की सेवाओं में पहुंच जाऊंगी। अब मंत्री मजबूर हो गया, उसे शहरयार की बात माननी पड़ी। वह बादशाह के पास पहुंचा और निवेदन करने लगा, मेरी पुत्री आपके साथ विवाह करना चाहती है। बादशाह को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी तुम अपनी बेटी के लिए ऐसा भयानक निर्णय क्यों ले रहे हो? मंत्री ने कहा, लड़की खुद ही मुझ पर इस बात के लिए जोर दिया है। उसकी खुशी इस बात में है कि वह एक रात के लिए आपकी दुल्हन बने और सुग्रह मृत्यु के मुख में चल जाए। बादशाह का आश्चर्य इस बात से और बढ़ा। वह बोला, तुम इस धोखे में न रहना, तुम्हारा ख्याल करके मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दूंगा। सवेरा होते ही मैं तुम्हारे ही हाथों तुम्हारी बेटी को सौंपूंगा और उसका वध करवाओ। सौंपूंगा कि उसका वध करवाओ, यह भी याद रखना, यदि तुमने संतान प्रेम के कारण उसके वध में विलम्ब किया तो उसके वध के साथ तुम्हारे वध की भी तैयारी होगी। मंत्री ने निवेदन किया, मैं आपको चरण से रोकूं, यह सही है कि मेरी बेटी है,
मुझे उसकी मौत से बहुत दुख होगा, लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। बादशाह ने मंत्री की बात सुनकर कहा, ठीक है तो फिर विलंब किस बात का, तुम हाजी रात अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दो। बेटी मंत्री ने बेटी को यह बात जाकर सुनाई। बेटी बहुत खुश हुई, उसने कहा अपने पिता से, अब मेरा विवाह करके कोई पश्चाताप न करें, भगवान चाहेगा तो इस मंगल कार्य से आप जीवन भर हर्षित होंगे। फिर शहरजात ने अपनी छोटी बहन दुनियाजात को एकांत में ले जाकर उससे कहा, मैं तुमसे एक बात में सहायता चाहती हूँ, आशा है तुम इनसे इनकार ना करोगी। मुझे बादशाह से ब्याहने के लिए ले जाएंगे, तुम इस बात से दुखी ना होना, बल्कि जैसा मैं कहूँ वही करना। तुम्हें विवाह की रात मैं पास में बुलाऊंगी और बादशाह से कहूंगी कि तुम्हें मेरे पास आने दे, ताकि मैं मरने के पहले तुम्हें धैर्य बना सकूं। मैं कहानी कहने लगूंगी, मुझे विश्वास है इस उपाय से मेरी जान बच जाएगी। उसकी बहन ने कहा, ठीक है तुम जैसा कहते हो मैं वैसे ही करूंगी। शाम को मंत्री अपनी पुत्री को लेकर राजमहल गया और वहां उसका विवाह बादशाह के साथ हो गया और अपनी पुत्री को महल में छोड़कर आ गया। एकांत में बादशाह ने शहरजात से कहा, अपने मुंह का नकाब हटाओ। नकाब उठाने पर उसके बहुत ही खूबसूरत सौंदर्य से बादशाह स्तंभित रह गया। उसकी आंखों से आंसू देखकर पूछने लगा कि तुम रो क्यों रहे हो। शहरजात बोली, मेरी एक छोटी बहन है जो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज भी यहाँ रहे ताकि सूर्योदय होने पर हम दोनों बहनें अंतिम बार गले मिल लें। यदि आप अनुमति दें तो वह पास के कमरे में सोए रहेगी। बादशाह ने कहा, क्या हर्ज है, उसे बुलवा लो और पास के वो कमरे में तो इसी कमरे में दूसरी तरफ सुला दो। चुनाचे दुनिया जात को भी महल में बुला लिया गया। शहर जात के साथ ऊंचे वाले शाही पलंग पर सोया और दुनिया जात पास ही दूसरे छोटे पलंग पर लेट गई। जब एक घड़ी रात रह गई तो दुनिया जात ने शहर जात को जगाया, बोली, बहन मैं तो तुम्हारे जीवन की चिंता से रात भर न सो सकी, मेरा चित्त बेड़ा व्याकुल है। तुम्हें बहुत नींद आ रही हो तो कोई अच्छी सी कहानी इस समय तुम्हें याद हो तो सुना ताकि मेरा जी बहले। शहरजात ने बादशाह से कहा, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी प्रिय बहन को अपनी इच्छा पूरी कर लूं। बादशाह ने अनुमति दे दी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। धन्यवाद, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।